यो व्हाट्सअप गाइज, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो फाइनली आदि पुरुष का ट्रेलर देखने के बाद लगता है कि 6 महीनों में मूवी को इम्प्रूव तो किया गया है और अब थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट एंड एक्सपेक्टेशन तो है मूवी को लेकर, लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा, लेकिन है थोड़ी बहुत। लेकिन टीजर के शॉर्ट्स ट्रेलर के अंदर बिल्कुल ना के बराबर दिखाए गए हैं, जिससे कि मूवी को फिर से बुरा भला ना बोला जा सके, वरना फिर से कंपैरिजन शुरू हो जाएंगे जिससे मूवी को नुकसान होगा। लेकिन तुम खुद सोचो, तुमने एक मूवी बनाई और उसका टीजर बहुत बुरी तरह से ट्रोल होकर पिट गया, और फिर तुमने थोड़ा टाइम लेकर मूवी को बेहतर बनाया और तुमने सच में मूवी को बढ़िया कर दिया, तो क्या तुम उसको सच में छुपाओगे या फिर दिखाओगे? कमेंट करके बताओ। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ट्रेलर के अंदर जो सीन्स एंड जो कुछ चीज़ें हमने नोटिस की हैं उन्हीं का हम ब्रेक डाउन एंड कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप इस सीन को देखो जो कि टीजर का है एंड एक नॉर्मल एंड बेसिक सा ही सीन है। तीर पर थोड़ी लाइट ग्लो कर रही है एंड पीछे दो कलर का बैकग्राउंड भी है एंड ड्रेस एकदम नॉर्मल ब्लैक सा आर्मर है। लेकिन अब देखो ट्रेलर वाला सीन जो कि एकदम चेंज कर दिया गया है। बात करो बैकग्राउंड की या आर्मर की, पहले सिर्फ तीर पर ही एक ग्लोइंग इफेक्ट था, लेकिन अब राम के चारों तरफ भी एक ओरा क्रिएट कर दिया गया है जो काफी कूल लग रहा है। एंड ये आर्मर आप इस सीन में भी नोटिस कर सकते हो, ये आर्मर जब मिलता है वो सीन ये रहा। और बात करें दूसरे सीन की तो ये है, ये टीजर वाला शॉट है और इसको देखकर ऐसा लग रहा है किसी जेंडर चेंज बंदे ने टिकटॉक पर फिल्टर वाली रील अपलोड की है। और अब ट्रेलर वाला सीन देखो, लाइट और कलर चेंज कर दिया गया है एंड थोड़ा डार्क टोन कर दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और लाइट और कलर ग्रेडिंग को एडजस्ट करके थोड़ा डार्क एंड थोड़ा रियलिस्टिक इन कुछ सीन्स को भी किया गया है। और ये असेंबल वाला सीन जो टीजर में कुछ ऐसा था और इसको ट्रेलर में कुछ ऐसा कर दिया गया है, और ये भी जो पहले ऐसा था और अब ऐसा कर दिया है। और अब बात करें इस सीन की, ये सीन जब टीजर में देखा था तो सिर्फ एक फायरबॉल ऐड की गई थी, लेकिन ट्रेलर में इस पर स्पार्क्स भी ऐड किए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। ये तो कुछ छोटे चेंजेस थे, होप करते हैं कि मूवी इससे बेटर निकले, क्योंकि सिर्फ इतना सब चेंज करने में 6 महीने नहीं लगते। और बात करें कुछ बड़े चेंजेस की, तो टीजर में हनुमान को सभी सीन्स के अंदर वाइट धोती के अंदर दिखाया गया है, लेकिन ट्रेलर के सभी शॉट्स में इसको बदलकर भगवा कलर कर दिया गया है। और ट्रेलर में ना तो हमें रावण दिखा, ना उसके भूतों की सेना और ना ही वानर सेना जो टीजर में कुछ ऐसी थी, लेकिन ट्रेलर के एक छोटे से सीन में हम एक वानर को नोटिस कर सकते हैं जो कि टीजर वाले में और ट्रेलर वाले में जमीन आसमान का फर्क है, जो कि एकदम रियलिस्टिक फील दे रहा है। बस उम्मीद है कि पूरी मूवी में ऐसा ही हो। तो यही थे कुछ सीन्स जो मैंने नोटिस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।